मजदूर हैं हम और मानते हैं कि तुमसे थोड़ा अलग है। तुम्हारे जिस्म लहू और हड्डियों से बने हैं, हमारे सीमेंट और गिट्टियों से। तुम माँ की कोख से जन्म लेते हो, हम कारखाने की भट्टियों से। हम खदानों का कोयला हैं, तुम तिजोरी का सोना। तुम्हें पूरी दुनिया चाहिए, हमें सिर्फ एक कोना। बहुत मुश्किल है तुम्हारा और हमारा एक सा होना। ये बराबरी का दौर है, यहाँ किसी को छोटा कहते अच्छा नहीं लगता, पर तुम्हें कहें भी तो क्या कहें। तुम बेचारे महंगे मर्तबानों के मारे अपनी प्यास के लिए मिट्टी के प्याले नहीं कमा पाए, जिंदगी भर दौड़ते रहे और हमारी तरफ पैरों के छाले नहीं कमा पाए। स्क्वायर फीट्स के बाशिंदों, कभी जमीन बिछा के सोए हो क्या? ब्रेग्जिट पे आंसू बहाने वालों, कभी भारत मिलाप देख के रोए हो क्या? तुम्हारे जख्म मरहमों के मोहताज हैं और हमें चोट लग जाए तो धूप के फरिश्ते आके अपनी उंगलियों का सेंक देते हैं। तुम्हारे पास दुखों के वो हीरे कहाँ जो हमारे बच्चे खेल के फेंक देते हैं। तुम जुगनुओं के जागीरदार, हम तड़कता हुआ आफ्ताब हैं। तुम नक्शों पे खिंची तंग दिल हकीकत, हम नई दुनिया का दरिया दिल ख्वाब हैं। तुम सिर्फ जिंदाबाद हो, हम इनकलाब हैं। यानी तुम बहुत मामूली हो, हम बहुत नायाब हैं। इसलिए आज हम अपनी गलती कबूल करते हैं। हमने मांगने से पहले देने वाले का बौनापन नहीं देखा। हमारी मेहनतों का कद तुम्हारी इमारतों से बड़ा है, तुम हमें क्या दोगे? तुम्हारी एक एक ईंट पर हमारे पसीने का उधार चढ़ा है, तुम हमें क्या दोगे? 21वीं सदी में महाशक्ति बनने का तुम्हारा सपना हमारे पैरों पर खड़ा है, तुम हमें क्या दोगे? हम देते हैं तुम्हें ये वचन कि आज तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं पर वापस लौट के आएंगे। तुम्हारी ये कायनात जो उजड़ गई है, इसे फिर बसाएंगे। जिंदगी का मलबा देखकर आंसू मत बहाओ, हम ईश्वर के हाथ हैं, तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बनाएंगे। कल्पना कीजिए दिसंबर की घनघोर सर्दी, कल्पना कीजिए अमेठी, गौरीगंज, चाय की टपरी। मनोज शुक्ला नाम का एक लड़का जो रेडियो सुन रहा है और रेडियो पर एक लाइन आती है, मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पर शबनम क्यों है, और मनोज मुंतशिर हो जाता है। बहुत स्वागत है मनोज मुंतशिर आपका ई साहित्य के इस मंच पर। कैसे हैं? बहुत बहुत आपकी कलम तो लगातार चल ही रही है, कुछ न कुछ सुनने को मिलते ही रहता है। श्वेता, अच्छी बात यह है कि आपने ई साहित्य, ये जो महाकुंभ है साहित्य का, और जब पूरी दुनिया डिप्रेशन के दौर से गुजर रही है, पूरा हिंदुस्तान ये सोच रहा है कि उनका वक्त कैसे गुजरे और पॉजिटिविटी कहाँ से आए, आपने और आज तक ने जो इतना बड़ा एक साहित्य का महाकुंभ उनके सामने, उत्सव जश्न उनके सामने रख दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि आपने इस प्रोग्राम की, इस सेशन की शुरुआत वहीं से की जहां से दरअसल मनोज शुक्ला के मुंतशिर बनने की शुरुआत हुई थी।